हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर वन, मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज नंबर 1.4। ठीक है, सो एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है, 1.2, 1.3 ऑलरेडी जो है मैंने पढ़ा दिया है। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को जाके देख सकते हो चैनल पे। ठीक है, सो बहुत ईजी है मैथमेटिकल लॉजिक। अगर आपको बेसिक पता है कि लॉजिक गेट्स कैसे काम करता है, एंड गेट, और गेट, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, टॉटोलॉजी, तो ये सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इजीली सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। तो ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन करेंगे हम लोग। कौन सा? एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर वन है। यहाँ पे देखो क्या हेडिंग पे लिखा है, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। ओके, मतलब इसका मुझे ये पूरे टर्म को निगेशन करना है। जो भी मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, सारे पूरे टर्म को हमें क्या करना है यहाँ पे, उसका निगेशन करना है यहाँ पे। ऑल राइट, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन दिया है लेकिन आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा कि कैसे करना है। तो निगेशन ऑफ क्यू यहाँ पे इम्प्लाइज दिया है, ठीक है, तो इम्प्लाइज पी लिखा है। तो इसको अगर हम लोग करते हैं, निगेशन लगाते हैं, तो होल ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरीके से। आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो कैसे लिखा है, होल ब्रैकेट में लिखा है। तो जब भी आप इस तरीके का सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ करके, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो जब भी आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये निगेशन ऑफ क्यू लगेगा, और इम्प्लाइज में कैसा हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा और एक बार निगेशन लग जाएगा। याद रखना, जब भी आप निगेशन डालोगे और इम्प्लाइज होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, आपका एंड होगा और एक निगेशन लगेगा यहाँ पे, ठीक है, निगेशन ऑफ पी। तो ये आपका बन गया निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक करेंगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे। देखो अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, पी एंड और क्यू लिखा है, मतलब अभी ध्यान से देखना, कंजंक्शन का साइन है, कंजंक्शन का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन में करेंगे तो सब ऑपोजिट हो जाता है। मतलब देखो, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, इसको मैं निगेशन डाल देता हूँ, इसको मैं निगेशन डाल देता हूँ, तो क्या बनेगा, ये निगेशन ऑफ पी एंड का क्या होगा, और हो जाएगा, डिसजंक्शन हो जाएगा। और निगेशन ऑफ निगेशन माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो वैसे निगेशन ऑफ निगेशन ये क्यू हो जाएगा, निगेशन का साइन हट जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका आंसर आया, सेम आया एज इट इज, निगेशन ऑफ निगेशन। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आपको और कितने दिए हुए हैं, और बहुत क्वेश्चंस तो है इसके अंदर, तो देखते चलेंगे हर एक। थर्ड क्वेश्चन, ओके, ये भी सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसका क्या आएगा, सिंपल अगर मैं लिख के दिखा दूँ तो ऐसा आ जाएगा। देखो ये पी निगेशन लगेगा यहाँ पे एंड क्यू, क्योंकि यहाँ पे निगेशन नहीं है फर्स्ट टर्म में, तो यहाँ पे निगेशन लगेगा। यहाँ पे और दिया है तो और का एंड हो जाएगा। और देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख लो, चलो ये निगेशन डाला, ब्रैकेट ओपन किया तो निगेशन पी बन गया, यहाँ पे और था, यहाँ पे क्या बन गया, एंड बन गया, और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, तो ये क्या बनेगा, सिर्फ क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना आप स्टेप सॉल्व नहीं करोगे तो भी डायरेक्टली आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिख के दिखा दूँ डायरेक्ट इसका आंसर, तो ये हो गया इसका डायरेक्ट आंसर, समझ गए। अभी इसके आगे भी एक टर्म दिया है आपको, तो ये मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया, खत्म। बहुत सिंपल था, स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे। अगर आपको सॉल्व करना है ये, तो कैसे करोगे, ये पूरे टर्म को स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिया आपने और उसका निगेशन लगा दिया, इसका ब्रैकेट ओपन करते जाओ, और मिडल टर्म को सबसे पहले चेंज करना है यहाँ पे आपका जो भी रहेगा, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, अभी यहाँ पे जैसे कि ये ओपन किया, तो यहाँ पे जो एंड था ये वाला, इसको क्या कर दिया, और बना दिया, और इसको निगेशन कर दिया, निगेशन ऑफ कंजंक्शन हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन होगा ये वाले स्टेप में, ये वाला इसको ओपन करेंगे तो निगेशन ऑफ डिस्टिंक्शन हो जाएगा, और निगेशन ऑफ निगेशन, इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हुआ। बहुत सिंपल है, कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछो, ठीक है। अभी ये वाला स्टेप देखो, डायरेक्टली ओरली सॉल्व हो जाता है ये सब चीज़, मतलब बहुत आसान है। अभी क्या ही बताऊँ, ये ऐसे मैंने बना दिया इसको, और ये हो गया आपका ऐसे, हो गया फाइनल आंसर से मैच करके देख लो भाई सेम है या नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले ये पूरे कॉम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसा लिखेंगे, इसको निगेशन करके डालेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो ये एंड जो है यहाँ पे जो मिडल पार्ट है, इसको साइन जो है इसका चेंज हो जाएगा, और इसके आगे जो आर था उसका निगेशन हो जाएगा, तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन कर दिया है इस केस में। फिर उसके आगे क्या होगा, ये निगेशन, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको ओपन करोगे, ब्रैकेट मतलब कैसा है, टर्न बाय टर्न आपको जो है ये ओपन करते जाना है, ठीक है।
ये वाला जो ब्रैकेट था इसको भी हमने क्या किया, ओपन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन था, डिसजंक्शन था ना, तो ये क्या हो गया, एंड बन गया आपका। इस तरीके से सॉल्व करते चलो। अभी देखो ये वाला आया, इम्प्लीकेशन को देख के डरना नहीं है, बहुत सिंपल होता है। इम्प्लीकेशन को देख के आपको डरना नहीं है। अभी इस केस में कैसा होगा पता है आपको, ये देखो आप कंप्लीट इसका निगेशन आप करोगे। एक सेकेंड, चेंज हो जा भाई। ओके देखो, निगेशन ऑफ बी इम्प्लाइज पी और दिया है, डिसजंक्शन दिया है, निगेशन ऑफ क्यू। तो इसको कम्प्लीटली आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। जब भी आप ब्रैकेट खोलोगे तो अभी पी का निगेशन नहीं होगा, अभी क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, जब भी इम्प्लाइज होगा तो आपका क्या होगा, ये एंड और निगेशन लग जाएगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे पी एंड और निगेशन हो गया और इस टर्म को एज इट इज लिख दिया मैंने, बराबर। उसके बाद आप आगे आगे का भी ओपन करो। तो अभी यहाँ पे अंदर क्या है मेरे पास, ये ब्रैकेट को मैं ओपन करूँगा, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैं इसको साइड में लिखता हूँ मैं। ओके देखो मैं कौन सा टर्म सॉल्व कर रहा हूँ, अभी मैं ये वाला टर्म सॉल्व कर रहा हूँ, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ पी, ठीक है। ये होल ब्रैकेट है, इसको मैं ओपन करूँगा तो क्या बनेगा मेरा, निगेशन ऑफ पी ये और हो जाएगा और निगेशन ऑफ निगेशन नल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इस तरीके से अंदर इसका बनेगा, ठीक है। तो पहला टर्म मेरा क्या था, फाइनल आंसर अगर मैं लिखूँ अभी, तो पहला टर्म क्या था, पी एंड ये हो गया आपका निगेशन ऑफ पी और इस तरीके से क्यू, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज़ था ये क्यू था, तो इसको क्यू कर देते, इसको यहाँ पे क्यू कर देते, ठीक है। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, समझ गए, सिंपल था। ओके चलो देखो, जितना बड़ा टर्म उतना बहुत इजी होता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे देखो बहुत सिंपल हो गया। पहले स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ही निगेशन दिया है, तो इसका टर्म कैसे लिखूँगा मैं, निगेशन इस तरीके से डालूँगा पूरा, और यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और पी और निगेशन क्यू, ठीक है। ये इस तरीके से दिया हुआ है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये निगेशन निगेशन हट जाएगा, ये और का एंड हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, सिंपल, अभी इसको भी मैं अगर ओपन करूँगा तो इसके भी अंदर के साइन चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, निगेशन ऑफ पी ये होगा एंड और ये हो जाएगा क्यू, सिंपल। फाइनल आंसर चेक करिए, फाइनल आंसर चेक करिए, देखिए ये रहा है आपका फाइनल आंसर, पी एंड क्यू, बाहर एंड दिया है, ठीक है, और ये निगेशन ऑफ पी एंड क्यू आया, सेम वन स्टेप सोल्यूशन होता है। ये लोग पता नहीं क्यों इतना लंबा चौड़ा बनाते, शायद आपको एक्सप्लेनेशन के लिए समझ में आए। सिंपल है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, तो यही लॉजिक है यहाँ पे। निगेशन देख रहे हो तो समझ जाना, माइनस माइनस आपको करना है, मतलब प्लस कर देना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो यहाँ पे देखो, सिंपल डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। निगेशन लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये बन गया फर्स्ट टर्म सॉल्व। अभी देखो, नहीं अभी ये ऐसा नहीं होगा, ध्यान देना, ये मैंने आगे का साइन देखा ही नहीं, ठीक है, ये एज इट इज ही रहेगा। ये गलती होती है, देखो इम्प्लाइज का साइन रहेगा तो समझ जाना फर्स्ट टर्म को आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। क्या करोगे, डायरेक्ट सेकेंड टर्म में आप क्या करोगे उसको, देखो मैं एक बताता हूँ आपको, फर्स्ट टर्म व्हेन इम्प्लाइज टू सेकेंड टर्म, ठीक है, एट दैट टाइम इफ यू आर अप्लाइंग निगेशन देन दिस इज नॉट द सल्यूशन, रिमेंबर दिस, निगेशन ऑफ फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट द सल्यूशन, देन वॉट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो करेक्ट आंसर इसके लिए ऐसा आएगा कि फर्स्ट तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा, ये इम्प्लाइज का हो जाएगा, एंड निगेशन सेकेंड टर्म, तो ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, समझ रहे हो। लॉजिकली समझो तो बहुत ही मतलब इजी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सो चलो अभी हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या आएगा, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे मेरे पास ये रहा इसका टर्म, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगा मेरा, यहाँ पे इतना तो आप लोग समझ गए क्योंकि इम्प्लाइज दिया हुआ है, तो डायरेक्टली ये होगा एंड निगेशन ऑफ ये क्या है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, अभी फर्स्ट टर्म मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, ये एंड हो गया, ये शेप का यही प्रॉब्लम है। ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड हो गया ये,
और निगेशन ओपन करूंगा तो क्या होगा, ये होगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी निगेशन लग जाएगा, ये जो है अंदर ये निगेशन हो गया, ठीक है। निगेशन ऑफ पी और क्यू, इस तरीके से आ गया आपका फाइनल स्टेप। मतलब 2 से 3 स्टेप में आपका आ ही जाना है, ठीक है। इजीली इस चीज़ में तो कभी गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। अगर इस चीज़ में गड़बड़ी हो रही है तो मतलब आपका लॉजिक फिर हिला हुआ है, फिर उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों में गड़बड़ी मत करना, खाली इम्प्लाइज आता है तभी बच्चे एक बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, बाकी तो कोई चांस ही नहीं है कन्फ्यूजन होने का। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या बोला है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। मुझे रीराइट करना है इस स्टेटमेंट को विदाउट यूजिंग इफ देन, ठीक है। इफ देन आता है तो समझ जाना कि इम्प्लाइज का यहाँ पे मतलब आपको लॉजिकल स्टेटमेंट पे इसको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे देखते चलो। इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। अगर कोई बंदा जज है, एम्पायर है आपका, तो वो बंदा ऑनेस्ट है, ऐसा इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो अभी देखो ये आपका पी जो है इम्प्लाई कैसे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो निगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है। अभी इसको आपको स्टेटमेंट को तोड़ना होता है पहले, तो गिवन स्टेटमेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव टाइप है, तो मैं इसको ये अभी कॉन्ट्राडिक्शन टाइप में अगर मैं इसको बना के दिखाता हूँ तो मतलब नेगेटिव में कन्वर्ट करता हूँ तो कैसे होगा, इफ अ मैन इज अ जज ना देन ही इज ऑनेस्ट। अगर मैन जज ही नहीं रहा, अगर ये मैन जो है जज ही नहीं रहा, तो ये ऑनेस्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है। या फिर ये क्या होगा, यहाँ पे और लिखना है हमें, तो और मतलब और यानी और आ जाएगा, एंड नहीं लिखना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये स्टेटमेंट इसका, अ मैन इज नॉट अ जज और ही इज ऑनेस्ट। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसका निगेशन कर दिया, यहाँ पे नॉट लगा दिया, ठीक है। अ मैन इज नॉट अ जज, यहाँ पे देखो ये और कर दिया मैंने, देन को हटा के मैंने और कर दिया, तो ये क्या हो गया, और ही इज ऑनेस्ट, और ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, समझ गए। अभी आगे, इफ टू इज अ रैशनल नंबर देन टू माइनस अंडर रूट इज इरेशनल नंबर। इसको कैसे लिखूंगा मैं, सिंपल, टू इज नॉट रैशनल नंबर, और जब भी आपको पी इम्प्लाइज ऐसा कुछ आता है और आप इसको सॉल्व करते हो तो ये स्टेटमेंट आपका क्या बनेगा, निगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है। ध्यान देना ये, जब भी आपका कुछ पी इम्प्लाइज क्यू होगा, सर्टन किसी कंडीशन पे डिपेंड करेगा, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे पी एंड निगेशन क्यू, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना है यहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो है ये आपका ये अलग है सेकंड कंडीशन से, सो रिमेम्बर दिस। क्या करोगे, फर्स्ट टर्म को नेगेटिव कर दोगे और सेकंड टर्म के बीच में और लगा दोगे। अभी देखो नीचे देखो ध्यान से, चल इफ एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू। अगर एफ ऑफ टू जो है एक्स की वैल्यू में 2 पुटअप करता हो और वो 0 आता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू। इसको मैं क्या लिखूंगा सिंपली, अगर तो इसका पी क्या होगा, पी होगा एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 0, क्यू क्या होगा, डिविजिबल एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू। तो मैंने क्या बोला आपको, क्या करना है, हमें करना है निगेशन ऑफ पी और क्यू, स्टेटमेंट में लिखना है। तो स्टेटमेंट में मैं लिखूंगा तो क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एफ ऑफ टू इज नॉट इक्वल्स टू 0, अभी लगाना है और यहाँ पे, और एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू। बहुत था सिंपल, बहुत सिंपल था। चलो आगे बढ़े, यहाँ पे देखो, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा था, ये 1 पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का था या आगे का है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे है थर्ड क्वेश्चन का है।
तो बाद में उसको कंटिन्यू करते हैं, पहले लाइन बाय लाइन जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला है, विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल प्रूव दैट, मेरे को ट्रुथ टेबल यूज नहीं करना है, मुझे क्या ये लॉ यूज करना है, कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन सबको यूज करना है मुझे। ये यूज करके मुझे प्रूव करना है कि जो पी है, पी जो है ये फर्स्ट टर्म डबल इम्प्लीकेशन क्यू इज इक्वल टू पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू। ये ऐसा जब भी सॉल्व करना होगा ना, ध्यान देना, तो स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा आपको, है ना। चलो करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अगर मैं आपका एल एच एस देखता हूँ तो पी डबल इम्प्लीकेशन यानी बाय कंडीशनल बोलोगे आप, क्यू दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पी क्यू पे भी डिपेंड करता है और क्यू पी पे भी डिपेंड करता है, मतलब ये मतलब हुआ ना इसका कि आपका जो पी है वो क्यू पे भी डिपेंड करता है एंड, और नहीं मतलब एंड, क्यू जो है वो भी आपका जो है पी पे डिपेंड करता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो बाय कंडीशनल लॉ इस तरीके से आपने फॉर्मुलेट कर दिया फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट लाइन आप देखोगे तो इसको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको धीरे धीरे कन्वर्ट करने की कोशिश करना है सेकंड आरएचएस के स्टेटमेंट में, ठीक है। तो अगर मैं डबल इम्प्लीकेशन हटाता हूँ तो याद रखना, डबल इम्प्लीकेशन मैं यहाँ पे पहले लॉ लिख के आपको बताता हूँ लॉ क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ पी इम्प्लाइज क्यू, तो मुझे उसको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पी एंड निगेशन क्यू, ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे पी इम्प्लाइज, मतलब किसी ना किसी पे जो है पी ये जो है आपका इम्प्लाई करता है, तो आप क्या लिखोगे उस केस में, इम्प्लाई करता है पी, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का जो है आपका यहाँ पे निगेशन लग जाएगा, निगेशन ऑफ पी, ये हो जाएगा और क्यू, ठीक है। मतलब समझ लो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, फर्स्ट वाले का ऑपोजिट हो जाएगा। अभी मेरे को यहाँ पे क्या करना है, डबल इम्प्लीकेशन को मैं ओपन करूंगा। यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, जब भी मैं ऐसा लिखता हूँ पी डबल इम्प्लीकेशन बाय कंडीशनल, तो इसका क्या निकलेगा आंसर, अगर हम लोग इसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा इसका, इसका बनेगा, देखना, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू है तो निगेशन ऑफ पी और क्यू इस तरीके से बन गया आपका। एंड एंड सेम चीज़ आप लिखोगे यहाँ पे भी, ये क्या लिखोगे, निगेशन ऑफ क्यू और पी, इस तरीके से डबल इम्प्लीकेशन कंडीशनल लॉ ऐसे बनेगा आपका। फिर ब्रेक डाउन आपको करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी ओपन करते जाओगे। देखो ये निगेशन ऑफ पी को हमने एंड के साथ ले लिया, देखो एंड सेकेंड टर्म, यहाँ पे और आया, यहाँ पे और आया, तो इसको हमने क्या किया, और लगा दिया यहाँ पे क्यू के साथ, सेकेंड टर्म ले लिया क्यू के साथ, सेकेंड टर्म ले लिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया। अब इसको अगेन ओपन करो, ब्रैकेट जितना भी ओपन करते जाओ, यहाँ पे निगेशन ऑफ पी एंड यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है, निगेशन ऑफ क्यू, तो निगेशन ऑफ क्यू लिखा, सेकंड में क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी क्या आएगा अभी यहाँ पे, एंड पी आएगा, देखो आया निगेशन ऑफ पी एंड पी आया। सेम चीज़ यहाँ पे क्यू के साथ करो, क्यू यहाँ पे क्या दिया है, क्यू एंड, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। सेकेंड टर्म में क्या आएगा आपका, क्यू एंड पी आएगा, ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकेंड टर्म, सो क्यू एंड पी आया इस तरीके से, ठीक है। साइन का खाली आपको ध्यान रखना, और कुछ नहीं। अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा इसमें, देखो अभी इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ आपका क्या हो जाता है, मतलब आपका निगेशन ऑफ पी एंड पी जब इस केस में होगा तो ये क्या होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ बनेगा यहाँ पे, राइट। निगेशन ऑफ क्यू एंड, अगर निगेशन ऑफ क्यू मैं इस तरीके से करता हूँ, आपको देखो मैं आपको लिख के ही बताता हूँ, 1 1 0 0, 1 0 1 0, ठीक है। ये मेरा पी है, ये मेरा क्यू है, मैंने बोला निगेशन ऑफ पी करो इसका, निगेशन ऑफ पी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 1 1, निगेशन ऑफ क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 1 0 1। अभी मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे करना है यहाँ पर, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो सेकेंड टर्म मेरा क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड पी, निगेशन ऑफ पी एंड पी, मतलब ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। तो यहाँ पे जब मैं ऐसे करता हूँ निगेशन ऑफ पी एंड पी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू सारी आ जाएगी 0, नल आएगी, ठीक है।
सारी वैल्यूज क्या आएगी, नल आएगी। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ, ध्यान देना। तो इसको मैंने एफ एफ निकाल दिया, वो हट जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब निकल जाएगा, हट जाएगा फिर। ओके चलो, आइडेंटिटी लॉ में अभी हम लोग देखेंगे, आइडेंटिटी निकालेंगे इसका। तो ये सिंपल, इसको फॉर्मुलेट कर देंगे। तो ये एफ निकाल दिया आपने, ठीक है, और ये आपने प्लेन इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करेंगे अभी। तो इस केस में अभी क्या होगा आपका, अभी आपको ये मैच करना है, ठीक है। ये वाला जो टर्म आया है आपको इससे ये मैच करना है। फर्स्ट टर्म मैंने एज इट इज लिख दिया, तो इसको स्विच कर देंगे अगर हम लोग, तो सेकेंड टर्म का जो अगर आप वेरिएबल देख रहे हो इसको स्विच कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। इसमें साइन में आपका कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है, ठीक है। पी एंड क्यू इज सेम, इक्विवेलेंट टू क्यू एंड पी, ध्यान देना, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज हुआ है। अभी जब आप इसको मैच करोगे कम्यूटेटिव लॉ, तो आप पाओगे वापस कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ये वाले टर्म को चेंज कर दिया हमने, इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया, ठीक है। देखो आपका एल एच एस जो है आर एच एस से सिमिलर आएगा। ओके आप ट्रू टेबल यूज करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर आपका वैल्यू सही है या नहीं है, गिवन आपका आर एच एस जो इक्वेशन है वो सही है या नहीं है, ठीक है। ओके तो अभी अभी आप यहाँ पे देखो क्या दिया है, पी और क्यू एंड पी और निगेशन क्यू। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ माने कैसे होगा, अभी ये देखो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा आपका, पी और ये वाला जो फर्स्ट टर्म है ये देखना, ध्यान देना इसमें, मतलब समझ लो, मान लो आप कैसे करते हो जब भी आप कॉमन निकालते हो तो किस तरीके से निकालते हो। तो पी मैंने एक तरीके से समझो कि पी और मैंने जो है यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, क्यू एंड निगेशन। देखो आई होप आपको और ओरली नहीं आएगा समझ में, मैं आपको इसको यहाँ से मैं बताता हूँ फिर से। देखो मान लो डिस्ट्रीब्यूटिव में मैंने पी को कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे पी को कॉमन निकाल दिया, ये टर्म आया, ठीक है। अभी इसका और साइन भी कॉमन साथ में आ जाएगा, ये रहा और वाला साइन, तो ये मैंने लिखा और वाला साइन। अभी अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, फर्स्ट टर्म में क्यू बचा एंड क्या बचा, निगेशन क्यू, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ मैंने क्या बताया था आपको, क्यू एंड सिमिलर टर्म का निगेशन होगा, सॉरी यहाँ पे क्यू आएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा, मतलब नल हो जाएगा। तो वो हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो आइडेंटिटी लॉ बन गया इसका, आर एच एस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। बहुत था सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। जितना बड़ा देखते हो उतना मतलब इजी होता है, बस आपको टर्म को देख के डरना नहीं है, आपको खाली एल एच एस देख लेना है फटाक से क्या है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे और आर एच एस देख लेंगे। ये आर एच एस हो गया, मतलब मेरे को यहाँ पे और निकालना है पी और क्यू, और ये जो भी टर्म है इसको चेक करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। मतलब तो ये हो गया कि मेरे को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आर एच एस एल एच एस को प्रूव कर रहा हूँ तो मुझे इक्वेशन छोटा करना है, ठीक है, कॉम्पैक्ट बनाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लो मैंने पहले ही यूज़ कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, क्या कॉमन ले लिया मैंने इसमें, तो मैंने लिया, मैंने कॉमन क्या लिया आपका इसमें, देखो ये टर्म कैसे आया, पी एंड निगेशन क्यू, ये आपका यहाँ पे है पी एंड निगेशन क्यू, ये और है, ये और है, मैंने ये वाले टर्म में से एंड क्यू जो है, ये वाला टर्म जो है एंड क्यू, ये एंड क्यू, इसको कॉमन ले लिया, तो ये वाला टर्म आया, ठीक है। आई होप अभी तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको समझ ही गया। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो चीज़ ध्यान देना। कॉम्प्लीमेंट लॉ करेंगे अभी हम लोग, क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ में आपका क्या होगा, यहाँ पे ये वाला टर्म जो है निकल जाएगा बाहर, ये वाला टर्म जो है आपका टी लिखा, मतलब ये हो गया टोटोलॉजी आपका है, मतलब टी एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपका अभी यहाँ पे ये हट जाएगा, ये और है, सॉरी ये और है आपका, ठीक है, ये और है, मतलब यहाँ पे ये देखो ये और के केस में कैसा होगा, 1100 0101, ठीक है, 0101। अभी मैं इसको P बोलता हूँ, इसको Q बोलता हूँ, मैं इसका P निकालता हूँ, P क्या होगा मेरा 0011, मतलब निगेशन ऑफ P। अब मुझे क्या करना है, P और निगेशन ऑफ P, मतलब इसमें होता है फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू, ठीक है। अगर मैं मैच करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो 00 मुझे कहीं पे दिखेगा ही नहीं,
देखो यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 1 0 है, मतलब फॉल्स 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 का चांस ही नहीं है, सारे वैल्यूज यहाँ पे ट्रू आए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉटोलॉजी यहाँ पे, ठीक है। और दिया है इसलिए, तो टी एंड क्यू बन गया, यहाँ पे मेरा सेकेंड टर्म था एंड क्यू, तो वो लिख दिया एज इट इज, अभी और तो और का साइन ये रहा, सेकेंड टर्म एज इट इज लिख दिया। आइडेंटिटी लॉ बनाएंगे अभी हम लोग, आइडेंटिटी लॉ मतलब ये जो है आपका ये निकल जाएगा टी बाहर, तो क्या बचेगा क्यू, क्यू और सेकेंड टर्म एज इट इज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अभी मैं क्या करूँगा, इसको ओपन कर देता हूँ, तो क्यू देखो और आया, ठीक है, और लिखा पी, पी के साथ अंदर क्या है एंड है, तो एंड लिखा ये, यहाँ पे एंड लिखा ये, क्यू और निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, ये बन गया कॉम्प्लीमेंट लॉ, मतलब टी निकल गया, क्यू और पी आइडेंटिटी लॉ, टी निकाल दिया, पी इस कम्यूटेटिव लॉ, मतलब स्वैप कर दिया आपने कम्यूटेटिव लॉ, हेंस प्रूव। इसको जितना आप लिख के प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा कौन सा लॉ होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप क्या करते हो, आप मान लीजिए आपने कॉमन कुछ ले लिया या फिर ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो वो केस में आपका क्या बनेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनेगा, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा फर्स्ट स्टेप अगर मैं देखूँ तो क्यू को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ में आप क्या देखते हो, कम्यूटेटिव लॉ में आप स्वैप कर देते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख देता हूँ स्वैप करना, यहाँ पे ब्रैकेट जो है आपने लेमन लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, आपका ओपन हो गया, ब्रैकेट ओपन करना या फिर फैक्टर कॉमन निकालना, ठीक है, ये हो गया। आइडेंटिटी लॉ आपका क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ अभी देखो, आइडेंटिटी लॉ में आपने अगर कुछ जो टॉटोलॉजी हो गया आपका, ठीक है, या फिर इस केस में पी, मैं ऐसा कुछ आपको लिख के दिखाता हूँ, ये हो गया आपका पी एंड निगेशन ऑफ पी, ये हो गया, या फिर आपका हो गया पी और निगेशन ऑफ पी, जिसमें सारी वैल्यूज या तो फॉल्स आएगी या तो सारी वैल्यूज जो है आपकी ट्रू आएगी, मतलब, ठीक है, ये हो गया आपका आइडेंटिटी लॉ। अभी क्या बच रहा है आपका, आइडेंटिटी कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ में आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ में आपने है उसको कन्वर्ट कर दिया, जैसे पी निगेशन पी हो गया, ठीक है, या मतलब यही स्टेटमेंट हो गया उसको, तो आपने क्या कर दिया टोटोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया, तो जैसे हमने पहले भी सॉल्व करा था, यहाँ पे कहाँ गया पहला वाला क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड आपको मैं बता देता हूँ कहाँ गया, कहाँ गया, देखो ये रहा कॉम्प्लीमेंट लॉ, जब इस तरीके का होगा आपके पास पी निगेशन ऑफ पी एंड पी होगा, तो यहाँ पे आप फॉल्स लिखोगे क्योंकि आपकी सारी वैल्यूज फॉल्स आएगी, ठीक है, तो आपकी सारी वैल्यू फॉल्स आएगी यहाँ पे, जब भी आप इस तरीके से लिखोगे, एक तो ये टर्म हो गया और दूसरा ये टर्म हुआ पी और निगेशन ऑफ पी, तो मैं यहाँ पे ये भी आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये वाला टर्म जो होगा तो तभी आपका सारा वैल्यूज जो है फॉल्स होगा, ठीक है, ध्यान दें, बहुत सिंपल था, तो आई होप हमने कंप्लीट किया है, लास्ट वाला एक बाकी है तो इसको भी देख लेते, वाह चलो ये थोड़ा सा तगड़ा आया, तगड़ा माने क्या, जब भी निगेशन आता है तो थोड़ा बच के रहना चाहिए, अभी यहाँ पे समझो निगेशन है, यहाँ पे निगेशन है, आई मीन इम्प्लीकेशन है, तो सेकेंड टर्म पे क्या आएगा एंड आ गया और एक निगेशन आता है, ठीक है, ओके, बहुत सिंपल है, मज़ा आएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि पता है कि इजीली होगा नहीं सॉल्व, सेकेंड टर्म पे अगर मुझे निगेशन हटाना है तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, एंड देख रहा हूँ, मतलब ज़रूर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको निगेशन लगाया गया है, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म क्या किया, पी और निगेशन क्यू है, पी और निगेशन क्यू है, फर्स्ट टर्म ये रहा, ठीक है, एम्प्लीफाइज मतलब इम्प्लाइज किस पे करता है, पी एंड निगेशन क्यू पे करता है, पी एंड निगेशन क्यू पे करता है, तो मैं निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं इस चीज को निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, पहला ही स्टेप क्या कर दिया मैंने, निगेशन लगा दिया, ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, ओके, यहाँ पे क्या हो गया एंड इम्प्लीकेशन ऐसा बन गया, अंदर का टर्म जो रहेगा एज इट इज रहेगा, अभी मैं निगेशन ऑफ कंजंक्शन कर दूंगा, निगेशन ऑफ कंजंक्शन यानी कैसे होगा, अभी ये चीज़ कैसे होगा, आपने ये फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दिया, ठीक है, अभी इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये क्या होगा, अंदर का टर्म निगेशन पी
यहाँ पे एंड है तो ये और हो जाएगा और ये निगेशन ऑफ निगेशन क्यों हो जाएगा, तो ये क्या बन गया सिंपल। अभी इसको सॉल्व करते बैठो इसको फटाफट से, ये आएगा कि नहीं टर्म, जितना आप बुक से मतलब पेन से लिखोगे और उसको सॉल्व करते जाओगे, सिंप्लीफाई करते जाओगे, उतना आप आंसर के करीब पहुंचते जाओगे, नहीं तो आपको आंसर मिलना मुश्किल है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, बहुत प्यार से बटन को क्लिक करो। ठीक है, फिर ऐसा है कुछ बेल आइकन रहता है, घंटी टिंग, थोड़ा ख़राब बना लेकिन ठीक है, चलो फिर घंटी बजा देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।